ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज 4x इंटू 3x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 1. ओके, ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है. ओके, हम देखते हैं अगर सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम हमारे पास है 4x इंटू 3x माइनस 1, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं. 4x इंटू 3x माइनस 4x इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x इंटू 5x प्लस 2x इंटू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. क्लियर? जैसे हमने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया, अभी क्या करेंगे देखिए. 4 3 12 x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 2 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 1. अब क्या करेंगे, टर्म्स जो सिमिलर हैं उनको एक तरफ कर देंगे. जैसे कि देखें 12x स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 4x है ये, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो ये प्लस 5x हो जाएगा, ये माइनस 2 और ये 1 इधर आएगा तो ये प्लस 1 आ जाएगा, ये सब आ जाएगा किसके इक्वल, 0 के. सो 12x के माइनस 10x के बन जाएगा 2x के, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x प्लस 5x, हमारे पास माइनस x बच जाएगा सिर्फ, प्लस प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1. इसके फैक्टर्स बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 के फैक्टर्स से 1 2 दा 2 ही होगा. तो इसका सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0. 2 कॉमन, 2x कॉमन लें आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन लें ये आ जाएगा x माइनस 1, ये आ जाएगा इक्वल टू 0. अब इधर से x माइनस 1 को कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ अगर ये दोनों दो टर्म्स हैं और वो 0 के इक्वल हैं, इट मीन्स दैट या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है या फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है. जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 है इसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड 2x माइनस 2 1 2x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 के, और x आ जाएगा माइनस 1 बाई 2. सो यहाँ हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 1 एंड माइनस 1 बाय 2. तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है.